खमरिया नगर में निकाली गई रैली, छात्र छात्राओं ने दिया नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा, हम बच्चों ने थाना है, अशिक्षा दूर भगाना है, शिक्षा है अधिकार हमारा के नारों के साथ बच्चों ने दिखाई जागरूकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची सच आंखों देखी सच्ची और पक्की खबरें। महिला शिक्षक संघ के बैनर तले स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। प्राथमिक विद्यालय खमरिया द्वितीय द्वारा ब्लॉक और राय में निकाली गई रैली। खमरिया चौकी प्रभारी दिनेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। महिला शिक्षक संघ शिक्षिकाओं की समस्या के समाधान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा के प्रति सभी योजनाओं को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। जिला अध्यक्ष प्रीति मौर्य ने बताया कि स्कूल चलो अभियान रैली में शामिल महिला शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रीति मौर्य, कोषाध्यक्ष तबस्सुम बानो, संगठन मंत्री संध्या कुमारी, साधना यादव, मीडिया प्रभारी तस्नीम फरहत और राय ब्लॉक अध्यक्ष अनिता पाल, ब्लॉक महामंत्री वंदना मौर्य, ब्लॉक संगठन मंत्री लक्ष्मी यादव, उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह, बबीता, शबनम, अनीता, भोलानाथ सरोज, शिक्षक सिंकुल अरविंद दुबे, आफताब, नीलम मौर्य, प्रतिभा, अंजलि, रोमा, वंदना, पूजा, किरण आदि शिक्षक मौजूद रहे। आपका परिचय मैडम। नमस्कार, मैं प्रीति मौर्य, जिला अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ जनपद भदोही। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग स्कूल चलो अभियान रैली निकाल रहे हैं। वैसे तो ये हर विद्यालय में, हर विद्यालय की तरफ से निकाला जा रहा है, लेकिन आज ये विशेष उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती सुलोचना मौर्य, आज उनके निर्देशन में निकाला गया है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर हम जो चीज़ अकेले करते हैं उसका कम असर पड़ता है, लेकिन जब हम लोग एक साथ इतनी महिलाएं मिलके, इतने शिक्षक शिक्षिकाएं मिलके अभिभावकों को समझाएंगे, तो निश्चित ही ये जो हमारा स्कूल चलो अभियान रैली है पूर्ण रूप से सफल हो। और दूसरी ये कि हम आपके माध्यम से और इस रैली के माध्यम से अपने सरकार को, अपने बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आपके द्वारा चलाए गए शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएँ हैं, हम महिलाएं उसको शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। ये रैली अभी अपने औराई जनपद के क्षेत्र में कितने दिन तक चलाएंगी आप? अभी ये तो चलता रहेगा, करीब ये 10-15 दिन तक इस तरह चलता रहेगा। और ये उत्तर प्रदेश के बैनर तले एक साथ ये सभी जनपद में, सभी ब्लॉकों में चल रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालय में कराया जा सके।